नमस्कार, किचन हांडी में आपका स्वागत है। आज हम कस्टर्ड से हलवा बनाएंगे। ये बहुत ही सॉफ्ट और ट्रांसपेरेंट हलवा है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हलवा बनाने के लिए मैंने 1 कप वेनिला कस्टर्ड लिया है, 1.5 कप मैंने चीनी ली है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें 3 कप पानी डालेंगे। गुठलियाँ ख़त्म होने तक अब हम इसे अच्छे से घोल लेते हैं। हलवा जमाने के लिए एक ढक्कन में थोड़ा सा घी डालकर चारों तरफ फैला देते हैं। अब कढ़ाई को गैस पर रखकर फ्लेम को धीमा कर देंगे और इसे लगातार चलाते हुए पकाएंगे। इसे हम तले से चलाएंगे क्योंकि कस्टर्ड तले में जाकर बैठने लगता है। कस्टर्ड पकना शुरू हो गया है। घोल में थोड़े थोड़े कस्टर्ड के चंक्स दिखाई दे रहे हैं। अब हमें इसका और ज़्यादा ध्यान रखना है, इसको लगातार चलाना है। थोड़ी देर के लिए भी बंद नहीं करेंगे क्योंकि कस्टर्ड तुरंत कढ़ाई में लग जाएगा। कस्टर्ड गाढ़ा होने लगा है। इसे चलाते हुए हमें 10 मिनट हो गए हैं। कस्टर्ड अच्छा गाढ़ा हो गया है। अब इसे घी डालकर पकाएंगे। ये मैंने 1/2 कप घी लिया है। इसको एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके हम इसे हलवा में डालेंगे क्योंकि हलवा में एक साथ घी एब्जॉर्ब नहीं होता और चलाना भी मुश्किल हो जाता है। घी एब्जॉर्ब हो गया है। अब हम इसमें दोबारा से घी डालेंगे। कस्टर्ड काफ़ी गाढ़ा हो गया है। अब हम इसमें बचा हुआ भी घी डाल देते हैं। अच्छा गाढ़ा और ट्रांसपेरेंट दिख रहा है। इसमें हम 2 टेबल स्पून कटे हुए काजू डाल देंगे और 1/2 छोटी चम्मच इलायची का पाउडर डाल देंगे। इसी तरह मिलाते हुए इसको हम पकाएंगे। हलवा हमारा अच्छे से ट्रांसपेरेंट हो गया है और अब ये घी भी छोड़ने लगा है। हलवा पक्के तैयार है। इसे हम जमने के लिए ढक्कन में डाल देते हैं। इसे सेट करके जमने के लिए छोड़ देते हैं। गार्निशिंग के लिए ऊपर से कटे हुए बादाम और खरबूज के बीजे डाल देते हैं। हलवा सेट होके तैयार हो गया है। अब इसके पीसेस बनाते हैं। हमारा हलवा सर्व करने के लिए तैयार है। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।